और गाइज पिछली वीडियो में हमने जो है ना ये चेसिस कंप्लीट कर लिया था अपने आरसी ट्रक का। तो गाइज यहाँ पे ना एक थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि हम ये जो पीछे के जो टायर है ना, जो पीछे के टायर है वो ना इस तरह से हिल डुल रहे हैं, मतलब कि ऐसे जो है ना ऐसे हो रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे जो मैंने ये वाली स्टिक लगाई थी इसको सेम इस साइड भी लगा दूँ। तो मैंने ये वाला जो जो मोटर का ये होल्डर है ये मैंने दूसरा डिज़ाइन किया है जिसमें दोनों साइड होल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये मैंने डिज़ाइन किया है, आप देख सकते हैं इसमें इस साइड भी होल है और इस साइड भी है, दोनों साइड जो है ना ये पत्ती लग जाएगी। तो ये शायद ऐसे ज़्यादा नहीं होगा, तो उम्मीद है, देखते हैं करके। तो इसके लिए यहाँ पर भी हमें एक सपोर्ट चाहिएगी, तो सपोर्ट जो है ना सपोर्ट के लिए मैंने ये डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पर हम इस सपोर्ट को लगा देंगे। और तो पहले मैं इसको खोल लेता हूँ, यहाँ से मैं मोटर निकाल देता हूँ, पहले मोटर ऐसे निकल जाएगी। तो ये बाहर निकल गया है, अभी जो है ना हम इसको भी खोल देंगे। सो गाइस हमारे जो मोटर होल्डर हैं दोनों में अपडेट हो चुके हैं। तो अभी हमें जो है ना यहाँ पे हमारे पास जो सपोर्ट है इसमें हम सपोर्ट लगाएंगे दूसरी साइड भी, इनको दोनों को फिट कर लेता हूँ। सो हमारी जो चारों पैचे लग गए हैं, अब हम इसको इसके साथ जोड़ देते हैं। सो गाइस जो हमारा ट्रक है इसकी जो लेंथ है थोड़ी कम रह गई थी, तो मैंने जो है ना आगे का फ्रेम अपडेट किया है और इसकी लेंथ भी थोड़ी ज़्यादा रखी है। तो मैं इसको एक्सचेंज कर लेता हूँ इन दोनों के साथ। Thank you.
सो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे जो एग्जस्ट है वो बन चुके हैं। ये हमारे साइलेंसर हैं दोनों, और ये इसकी सहायता से हम इसको जोड़ेंगे। तो पहले हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ये वाला यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा ऐसे। सो गाइज़ जो हमारे साइलेंसर होल्डर है वो दोनों लग चुके हैं, और इनमें जो है ना साइलेंसर हमें इस तरह से लगाना है, लेफ्ट साइड एक राइट साइड। काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। ओके, तो इसको निकाल देते हैं अभी के लिए। और पहले हम जो है ना यहाँ पे हम ये जोड़ेंगे। यहाँ पे हमारा जो है ना रिसीवर रहेगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो है ना यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे। तो पहले हम इसको जोड़ देते हैं यहाँ पे। सो गाइस ये जो है ना इस तरह से कनेक्ट करनी है आपको, और उसके बाद सो गाइस यहाँ पे जो है ना हमारी जो रिसीवर है वो ये है, 27 मेगाहर्ट्ज का है और ये 7 चैनल का है। तो इसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लगाऊंगा, ठीक है ना, और ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये अच्छे से लग गया है। और एक चीज़ हमारे पास और है, ये गाइज ये जो है ना ये एक ब्लूटूथ एम्पलीफायर है छोटा सा, और ये जो है ना ऑडियो कंट्रोल करता है, तो हम इसका भी यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। तो इसको भी मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। सो गाइज ये भी कनेक्ट हो गया हमारा। और गाइज लास्ट एक चीज़ बची है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में। यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये स्पीकर है, ये छोटा सा स्पीकर है 5 वाट का। तो इस स्पीकर को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और यहाँ पे भी हम इसको जोड़ देते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमारे जो स्पीकर है वो अच्छे से फिट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी जो है ना मोटर के कनेक्शन, स्पीकर के कनेक्शन, और यहाँ पे बैटरी जो है ना सब चीज़ कनेक्ट करते हैं, और फिर इसको एक बार चला के देखते हैं ये कैसे चलता है, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले मैं इसकी जो मोटर्स हैं उनको बाहर निकाल लेता हूँ, ताकि मैं वायर अच्छे से कनेक्ट कर सकूँ यहाँ पे। सो गाइस जो मोटर्स हैं उनके कनेक्शन हो गए हैं, आप देख सकते हैं चारों के अलग अलग कर लिए हैं। तो साइड में कर देते हैं, एक कनेक्शन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो एक जो हमारा ये एम्पलीफायर है ब्लूटूथ, तो इसमें भी हम जो है ना कनेक्शन कर देते हैं बैटरी का। Thank you.
सो गाइस हमने जो चारों मोटर की वायर्स हैं उनको कनेक्ट कर लिया है, जो ब्लैक है वो सारी एक साथ जोड़ दिए हैं, और जो रेड वाली है वो सारी एक साथ जोड़ दिए हैं। सो गाइस जो ड्राइविंग मोटर है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी हमें जो है ना स्टेयरिंग के लिए एक मोटर लगानी है जो कि हमने अभी तक नहीं लगाई है। तो यहाँ पे मेरे पास एक 3D पैन है पुराना जो कि ख़राब हो चुका है, तो यहाँ से मैं इसको खोल देता हूँ। और यहाँ पे जो हमारे पास ये मोटर है, इस मोटर का हम यूज़ करेंगे, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ मोटर को। सो गाइस यहाँ पे मैंने जो है ये मोटर निकाल ली है, आप देख सकते हैं। तो इसके कनेक्शन कर लेते हैं, तो मैं इसको ट्रक को पलट देता हूँ, और यहाँ पर हम इस मोटर को यहाँ से हम इसको ऐसे घुसाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हमने मोटर ये इस तरह से घुसा दी है, ग्रीन और येलो वाली वायर है, इसका कनेक्शन करना है हमें मोटर के साथ, स्टेयरिंग वाली मोटर के साथ। तो इसको सिंपली हम नीचे लेके आएंगे यहाँ पर, और यहाँ से हम इसको कनेक्शन कर देते हैं। सो गाइस जो मोटर है स्टेयरिंग वाली, इसके कनेक्शन भी हो गए हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो मोटर हैं सब के सब लूज़ हैं, और यहाँ पे जो हमारे पास ये वाली मोटर है ये भी लूज़ है, आप देख सकते हैं ये बाहर की तरफ को निकल रही है। तो इनको टाइट कर लेते हैं, आप चाहिए तो LFP डाल के चिपका सकते हैं इसको, मैं 3D पैन का यूज़ करूँगा। सो गाइस सारे कनेक्शन हो चुके हैं, यहाँ पे हमें बस एक रोड लगानी है छोटी सी, जो मोटर को कनेक्ट करेगी इस स्टेयरिंग के साथ। तो यहाँ पे इसको हम बाद में कनेक्ट करेंगे, तो पहले हम इसको सीधा कर लेते हैं। और सीधा करने के बाद हम जो है ना इसका जो एम्पलीफायर है इसकी वायर का कनेक्शन कर लेते हैं, और यहाँ पर इसकी बैटरी का कनेक्शन कर लेते हैं रिसीवर का। तो यहाँ पर मेरे पास ये एक केबल है छोटी सी, इस पे हम रेड कलर का वायर रेड के साथ जोड़ देते हैं, और ब्लैक वाला ब्लैक के साथ। और राइट गाइस सब कुछ कनेक्शन हो चुका है, यहाँ पे हमारी जो है ना मोटर के कनेक्शन भी हो गए हैं। और तो चलिए इस केबल को हम कनेक्ट कर लेते हैं। पहले ये वाली केबल जो है ना बीच वाली इसमें सेंटर वाली में लगेगी, तो ये मैंने लगा दी है यहाँ पर, और ये आपस में टच ना हो, क्योंकि मैं अभी इसको कवर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है हमें वायर को चेंज करना पड़े। तो अभी मैं टेस्ट करने के लिए इसको जोड़ रहा हूँ, तो ये बैटरी का कनेक्शन हो गया है। ओके गाइस सब कुछ कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे एक कनेक्शन और रह गया है जो है स्पीकर का, तो उसको भी कर लेते हैं। ओके गाइस यहाँ पे स्पीकर का जो कनेक्शन है वो हो गया है, तो इसको हम जो है ना वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास है एक छोटा सॉकेट, और ये हमारे पास है एक बैटरी कंपार्टमेंट, यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी है डबल ए साइज की, 4 बैटरी है, और ये 2800 mAh की है, काफ़ी ज़्यादा पावर दे सकती हैं, इस समय तक जो है ना हम इस ट्रक को चला पाएंगे। तो मैं इसको कनेक्शन कर लेता हूँ। ऑलराइट गाइस जो कनेक्शन है वो हो चुके हैं, तो बैटरी मैंने यहाँ पे रख दी है, और अभी मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस ये कनेक्शन हो गया है, और यहाँ पर भी लाइट जल चुकी है जो हमारा एम्पलीफायर है, और रिसीवर में कोई लाइट नहीं है, तो इसको हम कनेक्ट करके चला के देखते हैं। तो मैं इसका ट्रांसमीटर लेके आता हूँ। सो गाइस ये इसका जो है ट्रांसमीटर है, तो इसको चला के देखते हैं कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये फॉरवर्ड का है, और ये फॉरवर्ड में चल रहा है, और ये बैकवर्ड है। ओके वेरी गुड, ये सही चल रहा है। और यहाँ पे जो स्टेयरिंग वाली मोटर है वो भी चल रही है, अच्छे से काम कर रही है। ओके गाइस
मैं दो बैटरी यूज़ करूँगा। ये जो बैटरी होगी हमारी, ये ट्रक को पावर देगी, और यहाँ पे मैंने दूसरी बैटरी जो मेरे पास है ये भी सेम वोल्ट की है, 4.8 वोल्ट की है, और इस बैटरी से हम जो है ना इसका एम्पलीफायर चलाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक USB केबल है ये कनेक्ट कर दी है अंदर से, तो यहाँ पे हम सिंपली इसको USB से कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये चल जाएगी। तो ये चल गई है, तो यहाँ से हम जो है ना इस बैटरी से हम अपना एम्पलीफायर चलाएंगे, और ये जो बैटरी होगी हमारी इससे हमारा ट्रक चलेगा। ओके, तो गाइस सब चीज़ रेडी हो गया है, तो अभी हम इसको जो है ना स्टेयरिंग का हमारा रह गया था, तो हम स्टेयरिंग के लिए करते हैं कुछ। तो यहाँ पे मेरे पास एक फिलामेंट वायर है, फिलामेंट तार है, तो इस फिलामेंट को हम यूज़ करेंगे। तो इसको मैं यहाँ से अंदर डाल देता हूँ, इतना मैं इसको काट लेता हूँ, और यहाँ से मैं इसको बैंड कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने बैंड कर दिया है, और इसको यहाँ से इसके अंदर डाल देंगे। ओके, तो ये अंदर डाल दिया गया है, अब देखते हैं चला के। ओके, तो ये सही से काम कर रहा है ना। तो अभी चला के देखते हैं इसको। सो गाइस यहाँ पे मैंने अपने ट्रक के लिए ना एक ऐप बनाया है, मेरा ट्रक में डी आई एपी के, तो इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, और मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी दिखा देता हूँ कि किस तरह से साउंड क्रिएट करेगा। तो ये हमारा जो है ना ऐप इंस्टॉल हो चुका है। इसके लिए आपको इसे प्ले करने के लिए आपको एडोबी एयर का भी इंस्टॉल करना ज़रूरी है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये जो हमारा ऐप है ये इंस्टॉल हो चुका है, और अभी हमें जो है ना जस्ट ब्लूटूथ ऑन करना है, और मैं इसकी बैटरी को कनेक्ट कर लेता हूँ एम्पलीफायर के साथ। ओके गाइस, तो ये कनेक्ट हो चुका है। ओके गाइस, ये कनेक्ट हो गया है। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास ट्रक को स्टार्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ट्रक की साउंड की आवाज़ आ रही है, यहाँ से हॉर्न, ये स्टॉप। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट की साउंड आएगी, यहाँ से स्टॉप हो जाएगा, और हॉर्न इसका काफ़ी तेज है इसलिए साउंड कम करनी पड़ेगी। सो गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम इसकी जो लाइटिंग वगैरह है वो करेंगे, और इसकी जो फुल बॉडी है ऊपर की वो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।